के बाद सब तू पूछ रही है किसने मारा है तो सब और मैया मोहे मौसी ने मारा। सुनीति कहने लगी बिल्कुल पागल है तुझे ज्ञान नहीं है। अरे मौसी में और माँ में कोई अंतर नहीं होता। जवाब दिया माँ मुझे भी पता है मौसी में और माँ में कोई अंतर नहीं होता। मुझे दुख तो केवल एक बात का है। कौन सी बात का? सुन माँ। अरे पाग काज की रोस नहीं और किलो काज पे तो अरे राजा साहब के न्याय नहीं और संत का भय दया नहीं आई। मैया राजा साहब के न्याय नहीं और संत का भय दया नहीं आई। घर को ठीक ठिकाना कहाँ शिवम जमे बालक चोर चकोर। मोए मौसी ने मारो मोए दुख नहीं है। मैया मुझे दुख तो इस बात का है। कौन बात का? मैया मोए मौसी ने मारो पिता नहीं मुख से बोलो है। मैया मोए मौसी ने मारो बोलो आज। मैया सुनीति ने इतने शब्द सुने जवाब दिया बेटा वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते। माँ आज मेरे भगवत श्रोता हो माँ मेरे पिता कहाँ है? तो मैया सुनीति ने कहा बेटा जब बड़ो हो जाइए तब जंगल जाइए तेरे जंगल में पिता मिलेंगे। जवाब दिया माँ मैं बड़ा हो गया मैं सियाना हो गया मैं अभी जा रहा हूं पिता को ढूंढ करके ही वापस आऊंगा। आज मेरे भगवत श्रोता वो ध्रुव ने इतने शब्द कहे तो मैया रोने लगी और बोली बेटा ध्रुव से मैया रो करके बोली लाला मेरी एक बात सुन। अरे
पुत्र ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए। माँ मैं सियाना हो गया, मैं जंगल जा रहा हूँ, अब वापस मैं तभी आऊंगा जब पिता की गोदी में बैठ कर बल्कि आऊंगा नहीं। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए और मैया को रोता छोड़ करके ध्रुव भाग गया। कहाँ मैया, अरे घर में लगती छोड़ी